सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई, जो कोकोपीट है, कोकोपीट को हम किस तरह से तैयार करें, जो उसकी ब्रिक्स होती है, जो ईंट आती है, ईंट को अच्छी तरह से तैयार करने का, और जो हमें नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए जो खाद बनाने का है प्रक्रिया, वो कैसी होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसानों से अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन अवश्य दबा दें, ताकि हर वीडियो आपसे शेयर होती रहे, और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जो भी हमें कोकोपीट मंगाते हैं, कोकोपीट इसलिए मंगाते हैं, जो भी हमें किसी भी तरह की पौध घर पर तैयार करते हैं तो उसका जर्मिनेशन 100% होता है कोकोपीट के साथ है। जो हम मिट्टी के अंदर कोई भी पौध तैयार करते हैं तो वह हमारी पौध में लगभग 40 से 50% मरने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि हम 40 से 50% ही इसको ग्रोथ करने का वो मिलता है। तो इससे क्या होगा, 100% आपका जर्मिनेशन होगा, और इसको तैयार करना बहुत ही आसान है। जो कोकोपीट अगर आप एक ईंट की तरह होता है, उसको ठोस बना दिया जाता है, तो उसको आप क्या करें, उसको हल्का हल्का किसी हथियार से तोड़ के और उसको पानी के अंदर भिगो दें 24 घंटे के लिए, और पानी के अंदर उसको भिगो के वो फूल जाएगा, और किसी बाल्टी के अंदर भिगोने के बाद उसको 24 घंटे में एक बार निकाल के और उसको अच्छी तरह से एक बार फिर धो लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, इसके अंदर कई तरह से कई प्रक्रिया के अंदर गुजरता है ये बनाने के समय, तो इस जो हमारी जो पौध होती है, पौध के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसको हमें 2 या 3 बार इसको अच्छी तरह धो लेंगे तो इसका जितना भी जो जहर होता है, ये जो केमिकल होता है, वो पूरी तरह से इसके अंदर निकल जाता है, और उसके बाद हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। वो यूज करने का, जैसे हमारे पास ये है, ये इस तरह से हो जाता है, इसको हम सुखा लेंगे 2 से 4 घंटे के लिए। सुखाने के बाद ये इस तरह हो जाएगा, इसके अंदर नमी थोड़ी बरकरार रहनी चाहिए ताकि अच्छी तरह आपकी पौधे इसके अंदर जमाव अच्छी तरह पकड़ ले। तो इसको तैयार करने का क्या होता है, आपने कोई भी आप ले लीजिए इसी तरह कोई बर्तन, 4 भाग तो कोकोपीट डालने हैं आपने, इस तरह से नाप के 4 भाग कोकोपीट इस तरह डाल लिया, और इसके अंदर आपने 4 भाग कंपोस्ट खाद या गोबरा खाद भी ले सकते हैं। गोबर का खाद बिल्कुल पुराना होना चाहिए, उसके अंदर गोबर की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इसके बाद आपने लेना है वर्मिकोलाइट, वर्मिकोलाइट 4 भाग आपने कोकोपीट ले लिया, 4 भाग इसके अंदर हमने अपना कंपोस्ट खाद मिला लिया या गोबरा खाद मिला लिया, और 1 भाग आपने वर्मिकोलाइट और 1 भाग इसके अंदर आपने लेनी प्लाइट। तो इस तरह से हमने सारा मिक्स कर रखा है, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह हाथ से बिल्कुल इस तरह से मिला दे, और मिलाने के बाद ये आपका रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद आपको, आप इसके जो पौध तैयार कर रहे हैं, पौध तैयार करने का सबसे आसान तरीका है, जो हमारी पौध बहुत जल्दी तैयार होती है, आप ये सीडलिंग ट्रे, इस तरह की ट्रे होती है मार्केट में, आराम से आपको लगभग ये स्टार्ट हो जाती है 2500 से 4000 रुपये तक आराम से अवेलेबल हो जाती है। इस तरह सीडलिंग ट्रे लेकर आए, ये 98 होल की है, और अगर आपने जैसे घिया, तोरी, इस तरह की कोई भी पौध तैयार करनी है तो इस बड़ी के अंदर ये 50 होल की होती है, इसमें आसानी से पौध तैयार कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे भाई किस तरह से आप इसको पौध तैयार करेंगे, और पौध तैयार करने के बाद उसको हमें किस तरह रख रखाव करेंगे, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी जर्मिनेशन हो, और हमारा जो पौधा है, जो भी हम नर्सरी तैयार करें, वो जल्दी तैयार हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।